उत्तर प्रदेश के आगरा कोर्ट में बुधवार उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब दीवानी में पेशी पर आए गैंगस्टर विनय स्रोतिया को उसके साथियों ने पुलिस पर हमला बोलकर छुड़ा लिया। हमले में एक सिपाही श्यामवीर सिंह भी घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर पर 30 मुकदमे दर्ज हैं। वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। उसके फरार होने की जानकारी होते ही एसएसपी प्रभाकर चौधरी और एसपी सिटी विकास कुमार समेत अन्य अधिक फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। नाकाबंदी कर आरोपित की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद के थाना लाइन पार स्थित गाँव उपकपुर निवासी विनय श्रोत्रिय उर्फ विनय शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा जिला जेल में 15 दिसंबर 2018 से बंद है। उसे बरहन थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसे बुधवार की दोपहर जिला जेल से डकैती कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि परिसर में पहले से मौजूद उसके चार साथियों ने सिपाही पर अचानक हमला बोल दिया। पुलिस के चंगुल से छुड़ा कर अपने साथ ले गए। उसको ले आया जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद था। यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। उस दौरान उसके लगभग 2-3 साथी और आए और धक्का दे करके, जो हेड कांस्टेबल लेकर के आ रहे थे उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास किया है, और उसके बाद उसको छुड़ा के ले गए, चले गए यहाँ से। अभी यहाँ पुलिस टीम मौके पर है और हम लोग जाँच कर रहे हैं। साथ ही सभी जगह नाकेबंदी कराई गई है और उसको पकड़ने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। कैदी कौन है सर और किस आरोप में आया था? ये जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है जितनी अभी तक सूचना मिली है, और ये गैंगस्टर के मामले में यहाँ से बंद था, बरहन थाने से। ऑलरेडी इसका गैंग भी पंजीकृत है और गैंगस्टर के मामले में फिलहाल ये पेशी दे दी जाएगी। जिस सिपाही को चोट लगी है वो कहाँ भर्ती है, क्या नाम है? अभी उसको उसके बारे में हेड कॉन्स्टेबल है अनुज नाम है, पूरी जानकारी होती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।